अब आप देखोगे कि आपको ये नॉर्मल साइकिल लग रही है जी, मगर यहाँ जब सामान आएगा तो इसको ऐसे खोल देना है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ, और यहाँ मैंने छोटा बनाया है, यहाँ बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है जी, जिस पर चीज़ें रखेंगे। इसका टेक्निकल एडवांटेज ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका बीच में आ जाता है, तो संतुलन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके, और इसको आपका काम हो जाए तो इसको नॉर्मल साइकिल बन जाती है। ये बनाई मैंने 5 साल पहले, तो ये एक्सरसाइज के लिए है। इसमें आप ऐसा करके, इसमें ये रोलर दिए हुए हैं, इसमें क्या है, दिस इज प्योरली फॉर एक्सरसाइज जी। तो इसमें आपका जो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होता है जी। अंदर रोलर है जो इसको ऐसे स्लाइड करते हैं, जैसे हम मूव करते हैं, चलते हैं, मतलब जैसे हम आगे की तरफ। इसको इलेक्ट्रिकली बोलते हैं, जैसे आपके जिम में होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल साइकिल है जी। इसमें आप देखोगे कि इसमें चेन नहीं है। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आप चार्ज करना भूल गए, मानो आधे जाके बंद हो गई, तो इसको आप पैडल से चला सकते हैं। बहुत कुछ इसमें चेंज करा हुआ है, ये शोकर जो है मोटरसाइकिल का है। ये देखो, ये अभी ये मैनुअली है, और देखिएगा कितने अच्छे से मूव कर रही है। पैंडल को आप चलाते रहिए और साइकिल मूव करती रहेगी। अभी बैटरी पे है, लेकिन पैर जो है पैंडल पे रखे हुए हैं, वो इसलिए कि एक इसलिए बैठ सके जो साइकिल मूव कर सके। ये एक्चुअली बैटरी है, इतनी सी है छोटी, ये 10 एम्पियर की बैटरी है बोलते इसको। और ये वायर यहाँ पे कनेक्ट है इससे। हाँ, ये ठीक है, आपको चार्जिंग करनी है जी, तो चार्जर अलग आता है। ओके, तो चार्जर इसमें डाल दो, उसमें लाल लाइट की जब ग्रीन लाइट हो जाए तो मतलब चार्ज हो गई, फुल चार्ज हो गई। फुल चार्ज हो गई। कितने घंटे चल सकती है फिर ये बैटरी पे? नहीं, घंटे नहीं, ये 50 किलोमीटर चल। यहाँ इसका किलोमीटर भी आता है। ओके, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, ये देखो 1289 है जी। अभी आपको मालूम है कि मैंने नई बैटरी बिठाई, तो ये 1289 रीडिंग है जी। तो इससे 50 ऐड कर देने का, तो आपको पता चलता है 40 किलोमीटर के बाद आपको घर वापस जाके चार्जिंग में रख।